काम वासना में उतरना चाहता है, पैसा कमाना चाहते हैं, समाज में नाम कमाना चाहते हैं, पत्नी पे शक करोगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे चक्र, जो कि हमारे आकाश शरीर से संबंध रखता है। उस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान शब्द का संधि विच्छेद करें तो अर्थ निकलता है स्व अर्थात के हमारा अपना, अधिष्ठान मतलब के होना या स्थित होना। जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं तब उस चक्र की जागृति हो जाती है, वह चक्र जो कि नाभि से लगभग 2 इंच नीचे है और यह 6 पंखुड़ियों का चक्र है और यह इस रंग का है, केसरिया भगवे रंग का, 6 पंखुड़ियों वाला फूल जैसे खिला हो, अद्भुत शक्तियों को अपने अंदर लिए। दूसरा चक्र जो कि स्वाधिष्ठान चक्र है वह इस प्रकार दिखता है, ऑरेंज या केसरी या भगवा रंग का, 6 पंखुड़ियों वाला और इसका मंत्र है वम वम। इस तरह से इसका जाप किया जाता है। और दूसरा शरीर हमारे दूसरे चक्र से संबंधित है, स्वाधिष्ठान चक्र। इसकी भी 2 संभावनाएं हैं। मूलतः प्रकृति से जो संभावना मिलती है वो है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा, ये सब स्वाधिष्ठान चक्र की प्रकृति से मिली हुई संभावनाएं हैं। और ध्यान और साधना के जाप से जो ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी वो है प्रेम, करुणा, मैत्री, इन सबको आप प्राप्त करेंगे। दूसरे चक्र की बाधाएं घृणा, क्रोध इत्यादि को रूपांतरित करना है हमने। और आप चाहें तो क्रोध कर सकते हैं या क्रोध को दबा सकते हैं, हम 2 ही काम करते हैं। आप डर सकते हैं या ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि मैं डर नहीं रहा, लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं डर नहीं रहा। हमें क्या करना है, हमें स्वीकार करना है, हमें लड़ना नहीं है किसी भी चीज़ से। जब हम लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है। हमने स्वीकार भाव रखना है ध्यान के साथ। जिससे जैसे हम एक एक भाव को स्वीकार करते जाएंगे, हम अपनी प्राकृतिक ऊर्जाओं को ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। जैसे मूलाधार चक्र की सेक्स की संभावना से ही, के उपयोग से ही हमें जीवन मिला और उसी की सहायता से ही हम दूसरे शरीर यानी कि आकाश शरीर और स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करते हैं। और दूसरे शरीर को जन्म देने के लिए या स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिव करने के लिए भय और क्रोध भी आवश्यक हैं। जैसे हमने पहले काम वासना को ब्रह्मचर्य में परिवर्तित किया, इसी प्रकार हम क्रोध और घृणा को प्रेम और करुणा में परिवर्तित करेंगे। यदि कोई भय को समझे तो वो अभय को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन भय को समझना क्या है, कैसे समझा जाए भय को? भय को समझना इस तरह से मान लें कि जो भी स्थिति है हमने उसे स्वीकार करना है, इग्नोर नहीं करना, लड़ना नहीं है। कितना भी इग्नोर कर लें लेकिन भीतर से तो हम जानते ही हैं ना कि हम डर रहे हैं। जैसे कभी कभी अंधेरे में चलते हैं तो अपने आप को ही बेवकूफ बनाने के लिए गाना गाना शुरू कर देते हैं, कोई सीटी बजाना शुरू कर देता है, 2 लोग चल रहे हैं तो वो जोर जोर से बातें शुरू करना कर देते हैं, ये ऐसा महसूस करवाने के लिए, करने के लिए कि हाँ हमें डर नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी झलक भीतर की जाती है तो पता है वहाँ अंदर तो डर है ही,
तो हमने उस डर को स्वीकार करना है और ध्यान के माध्यम से उस डर को निडरता में परिवर्तित करना है। इसी प्रकार से हिंसा को अहिंसा में परिवर्तित करना है हमने। जब भी हम हिंसा और अहिंसा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, खास तौर से हम भारतीय, तो हमें महात्मा गांधी की याद आती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं कि उनकी अहिंसा झूठी थी। वो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से एक अति हिंसक व्यक्ति थे, क्योंकि वो हिंसा दूसरों पर नहीं करते थे, अपने ऊपर करते थे, उपवास के माध्यम से, मौन के माध्यम से। तो हमें वो दिखाई नहीं दी, सूक्ष्म रूप में थी। और यहाँ भी तो हम सूक्ष्म तत्वों की ही बात कर रहे हैं। अगर आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी का, तो वो अति हिंसक व्यक्ति थे। कुछ भी अगर बात होती थी तो वो उपवास करते थे, तो उसकी हिंसा वो उनके ऊपर ही होती थी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति पे होती तो कानून पकड़ सकता है, समाज देख सकता है, लोग देख सकते हैं। लेकिन हिंसा का ऐसा सूक्ष्म रूप उन्होंने अपनाया जो कि उनके स्वयं के ऊपर था और दिखाई भी नहीं देता था। तो इसलिए हमने हिंसा को भी स्वीकार करते हुए, हिंसा पर भी विजय प्राप्त करते हुए अहिंसा तक जाना है। और बिना चक्रों की साधना के, बिना ध्यान के, यदि कोई व्यक्ति कितना भी कहे वो अहिंसक है, कोई कितना भी कहे वो हिंसा नहीं करने वाला, आप उसकी बात का विश्वास नहीं करना। और जैसे ही आप हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप क्षमा को प्राप्त करेंगे। आप देखिए, क्षमा करना इतना बड़ा एक गुण है कि आप समझते हैं कि जिसको क्षमा मिली वो दयनीय था, उसको कुछ मिला। लेकिन जिस व्यक्ति ने क्षमा किया, उसका भी तो मन का बोझ उतर गया, उसका भी तो मन हल्का हो गया। तो वो व्यक्ति भी उस हल्केपन को महसूस तब तक नहीं कर पाएगा तब तक वो वास्तविक रूप में अहिंसक होकर क्षमा को स्वीकार और प्राप्त नहीं करेगा चक्रों की साधना से। और क्षमा करना एक बहुत ही बड़ा गुण है, लेकिन एक और भी इससे बड़ी बात आती है। आपने कुछ गलत किया, मुझे क्रोध आया और मैंने क्षमा कर दिया। आमतौर पे हम ऐसा देखते हैं, समाज में ऐसा ही चलन है। लेकिन एक और अवस्था है, आपने गलत किया और मुझे क्रोध ही नहीं आया। वो अवस्था है महावीर और बुद्ध की, जब क्रोध ही उनको छू नहीं पाता। आप उनको जहर का प्याला पीने के लिए दें, पागल हाथी उन पर छोड़ दें, पत्थर उन पर फेंकें, क्षमा किससे मांगेंगे, क्षमा कौन करेगा? क्षमा से पहले तो क्रोध होना चाहिए, क्षमा से तो पहले ऐसी अवस्था होनी चाहिए, अशमीय अवस्था होनी चाहिए। लेकिन उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो हमारा प्रयास है हम उस अवस्था को प्राप्त करें। आपको अगर मैं संक्षेप में बताना चाहूँ तो एक शब्द को आप याद रखें, मैं महसूस करता हूँ। जैसे मैंने बताया था मूलाधार चक्र के बारे में कि मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है। जब छोटा बच्चा होता है, एक माँ उसको कुछ भी खाने के लिए देती है वो खा लेता है, कुछ भी पहनने के लिए देती है वो पहन लेता है। लेकिन एक दिन वो ऐसा करता है, मना करता है, बोलता है नहीं। आज से पहले कभी उसने ना नहीं बोला था, हर बात कहो उसको हाँ 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 कहता था। लोग बड़े खुश होते हैं इस बात पे कि अच्छा, अब ये बच्चा अपनी पसंद का कपड़ा पहनता है, हैरान होते हैं इस बात पे। कभी कभी लोग गुस्सा भी होते हैं, अच्छा मेरे को ना कह रहा है, मैं तेरी माँ तेरा पिता, मुझे ना कह रहा है। लेकिन आप इस बात को समझें कि जब बच्चा कहता है कि नहीं, वो इस बात की घोषणा कर रहा है कि मैं हूँ, आज से मैं हूँ, आज से पहले मैं नहीं था। वो अपने मूलाधार चक्र के उद्भव की घोषणा कर रहा है। वो कह रहा है कि अभी तक तो आप कहते थे, जो भी कहते थे मैं हाँ कहता था, हाँ में हाँ मिलाता था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी तो कुछ हूँ, तो अब मुझे ना का भी अधिकार है। तो वह है मूलाधार चक्र। मैं हूँ, मैं हूँ होने के बाद क्या होगा, तब मैं, मेरी सत्ता स्वीकार करेगी, अनुभव करेगी, महसूस करेगी। क्या अनुभव करेगी, क्या महसूस करेगी? डर महसूस करेगी, खुशी महसूस करेगी, एक्साइटमेंट होगी, व्याकुलता होगी, ये सब तरह के
इमोशंस हमारे अंदर आएंगे। यदि किसी व्यक्ति का स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ा गया, बैलेंस खराब हो गया, मैं आसान भाषा में उसे कहूँ तो वह व्यक्ति करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाएगा। काम वासना में उतरना चाहता है लेकिन उतर नहीं पाएगा। इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। मन तो इच्छा होती है अनेक काम करने की, पहाड़ पे चढ़ जाऊँ, लोगों को देखता हूँ ऐसे मन करता है मैं भी पहाड़ पे चढ़ जाऊँ, लेकिन याद रखना स्वाधिष्ठान चक्र साथ नहीं देगा। स्वाधिष्ठान चक्र जब तक आपका बंद रहेगा, जब तक बैलेंस खराब रहेगा, तब तक आप वो सब काम नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हैं। किसी को नाचते हुए देखते हैं, किसी को डांस देखते हैं, कितना मन करता है, कितना अच्छा लोग डांस कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते। समझ जाना कहाँ गड़बड़ी है, गड़बड़ी स्वाधिष्ठान चक्र में है। और अनेक ऐसे कार्य जो आप करना चाहते हैं और कर नहीं पाते, पढ़ाई करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, समाज में नाम कमाना चाहते हैं, हैं और अच्छा बिजनेस हो ऐसा चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है कुछ भी, निराशा बनी हुई है जीवन में, निराशा 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 हर बात में, बिना किसी बात पे पत्नी पे शक करोगे और झगड़ा करने की का रीज़न खुद ढूंढोगे, कारण भी मिलेगा कुछ आपको, लेकिन नोक जो कहीं ना कहीं बनी रहेगी, ऐसा स्वभाव हो जाएगा, मन भी बिल्कुल अशांत रहेगा। उसका कारण समझ जाना, कारण स्वाधिष्ठान चक्र में है। और उस स्वाधिष्ठान चक्र को कैसे जागृत किया जाए और उस स्वाधिष्ठान चक्र का बैलेंस कैसे स्थापित किया जाए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि स्वर योग की सहायता से आप स्वाधिष्ठान चक्र को किस प्रकार से बलवती कर सकते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका से वो लोग आके सबसे पहले हिमालय पे चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे ना, नील आर्मस्ट्रांग, तेंजिंग हिलेरी, हम नहीं चढ़ पाए, हमारे बिल्कुल सिर पे हिमालय, क्योंकि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कमज़ोर। कोई भी साहस का कार्य करने से पहले अगर आप घबरा गए, आप डर गए, तो समझ लो कि स्वाधिष्ठान चक्र में गड़बड़ है। इसलिए जो लोग पुलिस में और फौज में हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं सीमाओं पर, आप हमेशा ही देखेंगे, पुलिस वालों को तो आप बड़ा पेट भी देखेंगे, लेकिन एक फौजी का आप पेट देखेंगे बिल्कुल सपाट, पेट बिल्कुल टाइट, सिक्स पैक उसके बने हुए, क्या रीज़न है उसका, क्या कारण है? क्योंकि उसका स्वाधिष्ठान चक्र मजबूत होना चाहिए, तभी तो वो लड़ पाएगा, तभी तो वो साहस और जोश दिखा पाएगा। यदि पेट बड़ा हो गया और चक्र गड़बड़ा जाएगा, शक्ति होगी नहीं शरीर में, कोई भी निर्णय ले नहीं पाएगा। हाँ, उसकी डिसीजन पावर भी बहुत वीक होगी उस व्यक्ति की, कोई भी निर्णय लेने में 50 बार सोचेगा, ये भी क्या करूँ, ये क्या, पीली दाल खाऊँ कि काली दाल खाऊँ, इसमें भी सोचने में 5 मिनट लगा देगा, इतना आदमी जो है मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आप ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी श्वास लेके ओम, कब करेंगे, जब आपके दोनों स्वर जागृत होंगे, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। मैं आपको ये पहले भी बताया है, जब जो आपकी साधना का समय है वो सर्वोत्तम समय तब है जब आपके दोनों स्वर जागृत हों, सूर्य और चंद्र दोनों ही जागृत हैं, तब आप स्वाधिष्ठान चक्र के बल से आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन कमाना चाहते हो, 100 रुपये कमाना चाहते हो, 1,00,000 रुपये कमा जाओगे, नहीं तो जो है वो भी खो दोगे, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ा गया है। यह इम्पोर्टेंस है, महत्ता है स्वाधिष्ठान चक्र की। यह समझ लो कि हमारे समाज में रहने के लिए, हमारे समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए, क्योंकि हम जंगल में तो रहते नहीं, समाज में हमें मान सम्मान का भी ख्याल है और सब काम भी, हमने सामाजिक कामों में भी अपनी भागीदारी निभानी है, तो उन सब के लिए हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का जागृत होना आवश्यक है। एक तो सुषुम्ना नाड़ी के चलते ओम का उच्चारण, लंबा ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण, और एक है अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार अर्थात श्वास को बाहर निकाल दें पूरा और पेट को अंदर बाहर चलाएं, पूरी शक्ति लगा के अंदर खींचे, पूरी शक्ति लगा के बाहर छोड़ें, श्वास को बाहर रोके हुए, और जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता
धीरे से क्रिया को रोक के और लंबी श्वास भीतर लें, थोड़ा विश्राम करें 2-3 श्वास के लिए और फिर दोबारा अभ्यास को शुरू करें। इस प्रकार का अभ्यास आपके स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करेगा और आप लगभग 2 से 4 महीने का समय लगेगा आपको, जब आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप ही नहीं आपके आसपास के लोग भी इस अंतर को महसूस कर पाएंगे कि हाँ अब ये व्यक्ति वो नहीं है जिसे हम पहले समझते थे। और कुछ एक आसन भी है इसको करने वाले, एक आसन है नौका आसन जिसे आप आराम से कर सकते हैं, दोनों पैरों को सामने रख के दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, बस इसी को रोकना है, कंधों को और एड़ियों को बराबर रखें एक लेवल में। और सूर्य नमस्कार का आप नियमित अभ्यास करें, एक सप्ताह में एक दिन फलों के उपवास पर अवश्य रहें, फलाहार करें, दूध पिएं, कोई भी पका हुआ या तेलीय कुछ पदार्थ का सेवन ना करें और स्वस्थ रहें और अपनी चक्र साधना में अग्रसर होते रहें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।